नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला राव। बिजनौर के नूरपुर भाजपा विधायक लोकेंद्र चौहान की सड़क हादसे में हुई मौत पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उनके गांव आलमपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक लोकेंद्र चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। माता पिता पत्नी अग्नि व दोनों बेटों ओजस्वी तेजस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट की मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इंडिया 24 टीवी न्यूज के लिए पूरण कश्यप के साथ चिंटू कुमार की रिपोर्ट। हमारा एक होनहार विधायक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए दूसरी बार विधायक के रूप में एक मुखर विधायक थे, बहुत सक्रिय विधायक थे, एक लोकप्रिय विधायक थे। उन्होंने अपनी जनसेवा के माध्यम से जो लोकप्रियता हासिल की, कार्यकर्ताओं के साथ एक मिलनसार स्वभाव के कारण जो स्थान उन्होंने बनाया वह अविस्मरणीय है, अनुकरणीय है। मैं आज के इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ में हम लोग पूरी तरह से हैं। मैं साथ ही साथ इस परिवार को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि इस क्षति को तो पूरा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस संकट की घड़ी में पूरी पार्टी, पूरी सरकार इस परिवार के प्रति है, उन सभी परिजनों के प्रति है जो इस सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। यह एक अपूर्णीय क्षति है और मैं इस अवसर पर परिवारजनों को यही आश्वस्त करने के लिए आया था यहाँ पर, अपनी संवेदना व्यक्त करने, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने। उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, उनके माताजी, पिताजी, भाई बहन हैं, परिवार में भरा पूरा परिवार है, लेकिन एक होनहार विधायक को हम लोगों ने खोया है। दो सिपाही भी मरे हैं। हाँ, ये जितने भी लोग उस दुर्घटना के शिकार हुए हैं सबके प्रति श्रद्धांजलि। किसी तरह के अनुग्रह